स्टार प्लस के पॉपुलर शो तू सूरज में सांच प्याज के आने वाले एपिसोड में आने वाला है एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट, जहां कनक और उमा शंकर के एक नहीं बल्कि बनने वाले हैं तीन तीन नए विलन। कौन है ये तीन नए विलन, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि अब तक के एपिसोड में हमने देखा है कि किस तरह से कनक और उमा शंकर एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं, जब से उमा शंकर ने ये बताया है कि वो पौलोमी से शादी नहीं करना चाहते और पौलोमी बिचारी घर छोड़कर भी चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो कनक और उमा शंकर के प्यार के बीच में आ जाए। जिसके बाद उमा शंकर और कनक मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो एक बार फिर से एक दूसरे से शादी कर लेंगे। जिसके बाद मासी सा के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, जिसके तहत वो कहती है कि अगर उमा शंकर और कनक फिर से शादी करने वाले हैं तो भला शादी से पहले कोई मिल कैसे सकता है। इसी के चलते मासी सा उमा शंकर और कनक को एक दूसरे से अलग कर देती है। लेकिन तभी कनक और उमा शंकर की लाइफ में एंट्री होने वाली है तीन नए विलन की, और इन तीनों विलन का नाम है शिव, सुमन और रानी। ये तीनों मिलकर उमा शंकर और कनक को एक दूसरे से मिलने से रोकने वाले हैं। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि शो में और क्या नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी से जुड़ी तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।